हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एस फार्मिंग में। ये आज हमारे चूजे को 1 महीने 1 दिन हो गए हैं और ये चूजे देखिए कितने हेल्दी हैं, मस्त हैं, क्योंकि हमने इसके लिए एक उपाय किया है। अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि काम में फंसे हुए थे और काम बहुत अच्छे से कंप्लीट होने के बाद अपन एक वीडियो बना रहे हैं जो जिस वजह से लेट हुआ अपन को। तो ये देखिए, इतने जगह पे अपन 900 चूजे डाले थे, अब ये 900 चूजे बड़े हो गए हैं, इसमें से 400-500 चूजे निकल चुके हैं। अब हमारे पास देखिए एक ऐसा अच्छा सा सेटअप कंप्लीट हो गया है जो हम आपको अभी बताना चाहते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो इसमें घनत्व रूप में है, बहुत ज़्यादा है चूजा, जिस वजह से अपन इसको ऐसे लगा दिए हैं। एक खिड़की था अपने पास में ताकि उस खिड़की पे बैठें और थोड़ा सा इनका बैठने उठने उड़ने खेलने का जगह हो, इससे भी हेल्दी रहते हैं। और ये देखिए, ये दीवार के नीचे अपन होल किए हैं क्योंकि अपन जस्ट उस साइड में इसका एक घूमने के लिए और चरने के लिए एक बढ़िया सा सेटअप बनाया है जो कि अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो साथ में बने रहिए, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने कल दिया था उनको खाने के लिए और देखिए कितने अच्छे तरीके से खाए हैं। कल सबसे पहले हमने ग्रीन शुरू किया, पहला दिन 1 दिन, और कैसे खा रहे हैं उसको दिखा रहे हैं। ये हम एंट्री करने जा रहे हैं। देखिए, ये हमारा दरवाज़ा है जो कि टेम्प्रेरी बनाया गया है। ये देखिए, हमने ग्रीन सेट लेकर के आया था और इस ग्रीन सेट को घर के जितने बचे हुए जो बांस थे, पिछली बार जो हमने सेटअप बनाया था उस सेटअप का जो बांस बचा हुआ था उस बांस का हमने यूज़ किया है ये, और घर के कुछ ऐसा। और ये देख पा रहे हैं जैसे कि ये अच्छा खासा बड़ा पूरा हाइटेड ऊपर से लेकर के नीचे तक। इससे क्या है, ग्रीन सेट की एक खासियत है कि ये जैसे धूप तेज रहता है तो उसको थोड़ा सा कम करता है, हवा पानी भी अगर ठंडी चल रही होती है तो इसके अंदर में थोड़ी ह्यूमिडिटी बनती है। आप किसी के ग्रीन सेट में घुस करके देखिएगा, हल्का गर्म गर्म एहसास रहता है। तो ये देखिए, चूजे लोग कितने हेल्दी हैं, मस्त खेल रहे हैं और बहुत अच्छे से हैं, इनसे इनकी ग्रोथ भी दुगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ब्रूडिंग हो जाएगी, ब्रूडिंग ये तो बहुत लेट हो गया बनने में, इतना लेट हो गया कि चूजे बड़े ही हो गए, हम इनको बाहर निकाल दिए, अभी उसको भी दिखाएंगे। लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा, अगली बार से 10 से 15 दिन के रहेंगे तो हम यहाँ पे इनको छोड़ना शुरू कर देंगे, और आगे जा कर के बरसात का दिन रहेगा तो यहाँ पर हम एडबेस्टर या कहना चाहिए कि त्रिपाल वगैरह पानी उनी की सुविधा करेंगे। अब थोड़ा सा इतलू बताते हैं। ये देखिए, जिनकी मर्जी अंदर चले जाए, जिनकी मर्जी बाहर निकल जाए, ये इनके ढकने के लिए है शाम को। और ये देखिए, दाना चल रहा है, कितने मस्त मुर्गी आराम कर रही है। देखिए, ये पानी चल रहा है और ये देखिए कितने अच्छे ग्रीन खा रहे हैं ये। इसीलिए हमारे पुराने यूट्यूबर जो हैं, सॉरी पुराने चैनल सब्सक्राइबर भाई लोग जो हैं, उन्होंने देखा था कि हमने हरा साग सब्जी भी लगाया हुआ है फिश फार्मिंग का, जो बचत पानी जो निकलता है, वेस्टेज पानी, उसी का लाभ मिल रहा है हमें। देखिए, ये वहाँ के जो एक्स्ट्रा जो साग सब्जी हैं उसको ला के अपन दे रहे हैं तो ये ग्रीन खा रहे हैं, तो इससे अपन का दाना का खर्चा भी जितना तो वहाँ दाने में नहीं है उससे ज़्यादा इसमें भीड़े हैं ये लोग, कहना चाहिए। और ये देखिए, हमने अगर आप बना रहे हैं तो ख़ास ध्यान रखिएगा, ये मिट्टी से हमने नीचे नीचे दबा दिया है पूरे चारों तरफ ताकि एक्स्ट्रा जानवर ना आ पाए। बनाते वक्त यहाँ एक मक्खी घुस गया था, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मक्खी भी नहीं निकल पा रहा था, इसीलिए हमने वो लास्ट कॉर्नर छोड़ा हुआ, वो कॉर्नर को ये देखिए देख पा रहे हैं, इस कॉर्नर को छोड़ दिया, इसीलिए हमने उसको कील नहीं मारा ताकि
जो भी अंदर फंसे कीट हैं वो निकल जाएं। ये देखिए बीच में एक ही दिया हुआ है बांस, और ये बहुत अच्छे तरीके से खेल कूद रहे हैं, बहुत हेल्दी हैं, बहुत मस्त हैं। हमारा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप छोटा सा भी ग्रीन शेड बना सकें, हमने तो बहुत बड़ा बना दिया है, अगर आप छोटा सा भी ग्रीन शेड नीचे नीचे भी बना सकें तो, अगर इनको दिन में 4 से 5 घंटे भी छोड़ा जाए तो इनकी हेल्थ में इतनी ज़्यादा ग्रोथ आएगी, मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पानी का तो पड़ेगा, पानी में मेडिसिन मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। देखिए ये कितने मस्त घूम रहे हैं ये। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि देखिए इसको हम पार्ट कर दिए हैं, यहाँ पर 150 चूजे आसपास हैं, क्योंकि कल हम नहीं थे फार्म में, कोई और इसको अलग किया है बड़ा बड़ा छाट करके। तो जैसे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ऑटोमेटिक पानी फिल्टर लगा हुआ है और ये बहुत अच्छे और हेल्दी हैं। यहाँ पर आज 3 दिन हो गया है हम इसको ट्रायल बेस पर यहाँ पर रखे हुए थे, और ना तो इसको हम रात में लाइट देते हैं, ना लाइट में ये लोग पानी पीते हैं, ना दाना खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी ठंडी है ना मैं, ये लोग इतना अच्छा गेन कर रहे हैं ये लोग अपना, और दिन भर दाना वाना खा करके आराम से पड़े रहते हैं। यहाँ पे कोई भी गैस नहीं है, कोई भी मोर्टलिटी नहीं है और कोई भी नुकसान नहीं है, और इसके बावजूद देखिए कितने फ्रेश हैं ये लोग, बहुत अच्छे से हैं, एक भी दाना बर्बाद नहीं होता, और जो भी दाना बर्बाद होता है उसको नीचे, इसके नीचे मछली है, मछली खा जाती है। और ये देखिए हम यहाँ बगल में पॉलिश कैप रखे हैं, पॉलिश कैप का मुर्गा देखिए कितना जानदार है, और वो मुर्गी है, इसको अलग से केज में रखे हैं, बहुत ही सुंदर है ये, अगर किसी भाई को चाहिए तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, वीडियो बनाने में असुविधा हो रही है, देख पा रहे हैं आप वेबसाइट पैपकिन। ये बीच में हम इनको बहुत ज़्यादा छोड़ देते थे, तो ये क्या करते थे, जा करके हमारी बाड़ी को पूरा नुकसान कर देते थे, जब तक बाड़ी अच्छे से मजबूत ना हो तो हम इनको बाहर नहीं छोड़ेंगे, ये लोग यहीं पर रह करके बढ़िया अंडे उंडे देते हैं, इनको ज़्यादा पानी उनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आसानी से बिना पानी का भी पल जाता है। और ये देखिए ओके, तो यही दिखाना चाहते थे भाई आप लोगों को, बिल्कुल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम अपना अनुभव आप लोगों को शेयर करेंगे, और बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों का प्यार मिला तो आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। ओके थैंक यू।